अपने दोस्तों के साथ घूमने निकलता है। तो वो रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रहीम अपनी गाड़ी रोकता है। भैया जरा 500 का पेट्रोल डालना। हाँ भाई, पेट्रोल फुल करवा ले, पता नहीं आगे कहीं पेट्रोल मिले या नहीं। वहीं पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी होती है। अच्छा तो ये लोग घूमने जा रहे हैं। कोई घूमने निकले और मैं ना जाऊं साथ, ऐसा कैसे हो सकता है। वह चुपचाप उनकी गाड़ी की डिक्की में बैठ जाती है। गाड़ी भरवा कर वे लोग पुरानी हवेली की तरफ निकल पड़ते हैं। वे लोग स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और गाते हुए मस्ती करते हुए निकल पड़ते हैं। नशे दिया बोतले तीनो गट गट करके पी जावा, ओए कुक्का तेरे कुछ कुछ कहना। वाह भाई, इस बात पे तो मुझे बोतल याद आ गई। फिर वे लोग एक दुकान पर गाड़ी रोकते हैं। भाई विक्रम, जा एक बियर ले आ और साथ में चखना भी ले लिया। भाई फुल मजे में हो रहा, क्या बात है। फिर वे बियर की बोतल और नमकीन लेकर गाड़ी में वापस आ जाता है और चलती गाड़ी में पीने लगता है। वे लोग पुरानी हवेली से थोड़ी दूर ही होते हैं कि उनकी गाड़ी झटके देने लगती है। अबे यार, अब इसमें क्या हो गया पता नहीं यार, पिछले हफ्ते ही ठीक होके आई है। चलो उतर के देखते हैं। तुम लोग गाड़ी निहारो, मैं तो चला उस हवेली में। मैंने सुना है वहाँ पुश्तैनी नाग नागिनों की फोटो लगी हुई है, जरा हम भी तो देखे नाग नागिन कितनी सुंदर होती है। हंसता हुआ विक्रम दिनेश को हाई फाई देता है और बोतल लेकर हवेली की तरफ जाने लगता है। अबे रुक जा ठरकी, लड़कियों का नाम सुना नहीं कि बस तेरी लार टपकने लगती है। कोई मेरे साथ भी तो रुको। भाई तेरी गाड़ी तू दे, तब तक हम अपने मजे करके आते हैं। चुड़ैल ये सब डिग्गी में से सुन रही होती है। चुड़ैल मौका देखते ही चुपचाप बाहर निकलती है। वह देखती है कि रहीम गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। ये सही मौका है, क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। चुड़ैल चुपचाप गाड़ी से पेट्रोल चुराने लगती है और एक बोतल भर लेती है पेट्रोल से। अब देखते हो तुम लोग कैसे निकलते हो इस जगह से। फिर वह एक सुंदर लड़की का रूप लेती है और रहीम के पास जाती है। क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? रहीम इतनी खूबसूरत लड़की देखकर बहकने लगता है। जी नहीं, बस हो गया, वैसे आप बहुत सुंदर हैं। मुझसे भी सुंदर लड़कियां उस हवेली में हैं, देखोगे? आप जानते हो उस हवेली के बारे में? चलो मेरे साथ। लड़की आगे चलने लगती है और रहीम को भी उस हवेली में ले जाती है। वहाँ दिनेश जब उस लड़की को देखता है तो मन ही मन लट्टू फूटने लगते हैं। अबे यार ये रहीम क्या माल लाया है, कतई जहर है भाई जहर। वे सब उससे फ्लर्ट करने लगते हैं। लड़की उन सभी को अपनी अदाओं में फंसा कर अलग अलग कमरों में ले जाती है। चलो मैं छुपने जा रही हूँ, देखते हैं सबसे पहले कौन ढूंढ पाता है मुझे। वे सब उसे इतनी बड़ी हवेली में ढूंढने लगते हैं। सबसे छुप कर वह चुड़ैल के रूप में आ जाती है और उनमें से किसी के आने का इंतजार करने लगती है। आओ आओ ढूंढो मुझे। विक्रम चुड़ैल की मीठी आवाज सुनता है। लगता है इसी कमरे में है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। आजा आजा राजा बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा अब तो आजा। विक्रम जैसे ही कमरे में घुसता है चुड़ैल विक्रम को मार देती है। विक्रम की चीखने की आवाज सुनकर रहीम उसे ढूंढने लगता है। इससे पहले कि रहीम कुछ समझ पाए चुड़ैल उसे भी पीछे से हमला करके मार देती है।
अब लड़की अपने असली चुड़ैल रूप में आती है। वह दिनेश को ढूंढ रही होती है, पर दिनेश चुड़ैल को छिपे हुए देख लेता है। ओ तेरी, ये तो चुड़ैल है, अबे भागो। अरे भाई कोई है, अरे भाई मेरी मदद करो, अरे भाई कोई है। दिनेश सबको आवाज लगाता है पर उसे किसी का जवाब नहीं मिलता। कोई नहीं सुनेगा तेरी आवाज, सब तेरा इंतजार ऊपर आसमान में कर रहे हैं। आजा 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 मेरे पास आजा, तुझे भी उनके पास भेज दूं। वहाँ बियर और चकना भी मिलेगा तुझे। तेरा ध्यान किधर है, तेरी रानी इधर है। तेरा ध्यान किधर है, तेरी रानी इधर है। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई रानी नहीं चाहिए, ये रानी मेरी पुंगी बजा देगी। भाई भाग ले बेटा, बड़ा तेरे को लड़कियां ताड़ने का शौक था ना, ताड़ चुड़ैल को, चुड़ैल ताड़ बेटा तू। दिनेश भागता भागता बाहर गाड़ी के पास पहुँचता है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। अरे भाई कोई मेरी मदद करो, अरे मर गया रे। वह गाड़ी में फटाफट बैठता है और गाड़ी चलाने की कोशिश करता है। अरे अब इस खटारा को क्या हुआ, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। तभी वह चुड़ैल हंसती हुई आ जाती है और दिनेश को पेट्रोल से भरी बोतल दिखाकर पूछती है, ओ हीरो देख कहीं यही तो नहीं चाहिए तुझे। दिनेश देखते ही बौखला जाता है। अरे पर तू इसका करेगी क्या, ये कोई खाने वाने की चीज थोड़ी ना है। अच्छा पर गाड़ी चलाने की चीज तो है ना, सोच अब तू कैसे भागेगा मेरे से बच के। अरे ये तो पेट्रोल चोर भी निकली, मेरे को शर्म नहीं आती, चुड़ैल होके पेट्रोल चुराती है। और वह उतर कर तेज तेज भागने लगता है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। अरे भाई कोई मेरी मदद करो, अरे मर गया रे। उसे एक शॉर्टकट रास्ता पता होता है, वो वहाँ से निकलकर भाग जाता है। अरे कहाँ छुप गया ये मुहा। चुड़ैल उसे ढूंढते ढूंढते सड़क पर आ जाती है, वहाँ उसे एक ट्रक खड़ा दिखता है। चल उसे बाद में देखूंगी, अभी इस ट्रक का काम तमाम करती हूँ। फिर वह चुपचाप उस ट्रक से भी पेट्रोल निकाल लेती है। दिनेश ये सब हरकतें छुपकर देख रहा होता है। ये चुड़ैल पेट्रोल चुरा के करती क्या होगी, भला इसे पेट्रोल की क्या जरूरत। कुछ ही देर में वह देखता है कि चुड़ैल वह पेट्रोल पीने लगती है। आह कितना स्वादिष्ट लगता है, ये ना मिले मुझे तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। चुड़ैल पेट्रोल पीते हुए गाना गाने लगती है। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। और दो घूंट और मार लेती है। फिर वह मुंह ऊपर आसमान की तरफ करके मुंह से आग निकालती है। ये सब देखकर दिनेश की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। दिनेश आव देखता है ना ताव और जंगल के रास्ते शॉर्टकट से भागने लगता है। भाई साहब पहली बार देखा, चुड़ैल के भी शौक होते हैं। आज के बाद कुछ भी हो जाए कतई लड़की की अदाओं में नहीं फंसूंगा, बता रहा हूँ। दिनेश बेटा एक बात समझ ले, तेरी बीवी के अलावा बाकी सब तेरी माँ बहन है। हाँ। और भागता भागता दिनेश। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। अरे मर गया रे। जैसे तैसे अपने घर पहुँचता है।